सबके सर पर हो अपनी पक्की छत, कोई गरीब न रहे भूखा, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता हो, रोजगार के नए अवसर हो, किसान खुशहाल हो, महिलाएं सशक्त हो, युवा कुशल और उद्यमी हो, यही है सही मायने में आर्थिक सामाजिक विकास और मोदी सरकार की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नया भारत अब पहुंच रहा है जन जन तक। केंद्र सरकार की योजनाओं की 100% कवरेज के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। आपके गांव में या शहर में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा आए तब आप अवश्य वहां उपस्थित रहिए और आयुष्मान भारत के कार्ड को बनवाइए। ये देश आत्मनिर्भर बने, महासत्ता बने, इसमें कोशिश में है और मैं समझता हूँ उसी लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रयोजन है। प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान को भी जन आंदोलन बनाया, अब विकसित भारत का संकल्प भी जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। जनजाति और जनजाति समाज के लिए लगातार कार्य किया है और उनके मूलभूत बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात के साथ कि उन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को सही तरीके से हम जन जन तक पहुँचाएँ। देश के मात्र 16% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था, आज ये आंकड़ा बढ़ करके 71% के आसपास पहुंचा है। देश में 10.5 करोड़ माताओं बहनों को पानी लाने के अभिशाप से मुक्ति मिली है और पूरा विश्वास है कि 2024 तक हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाकर महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव करने के साथ साथ देश के सामान्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी एक बहुत बड़ा योगदान उसे ऊपर उठाने के लिए कर सकेंगे। लैंड रिसोर्स विभाग जमीनों का, भूमि का उनको दे रहा है, कागज दे रहा है, क्योंकि राज्य के अंदर हर राजस्व ग्राम में खाता खसरा एक से शुरू होता है। अब मैं उनको एक तरह से भूमि आधार कार्ड भी दे रहा हूँ। डे एनुअल मिशन के तहत 34.2 लाख से अधिक आजीविकाएं बनाई गई हैं। मिशन ने 14.9 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमारे 9.8 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन जारी किए गए हैं। इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो सके इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जागरण का अभिनव प्रयास कर रही है। पूरा भारत एक स्वर में कहता है, मोदी है तो मुमकिन है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और हम हर भारतीय को 2047 से पहले विकसित देश बनाने के लिए अपना योगदान देना है। अमृतकाल में जन भागीदारी की इस अभूतपूर्व पहल के साथ देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेजी से अग्रसर है।